पुछदा माता मेरी मैनू तेरा नाम उधार। हजरत पुछदी माता मेरी क्या पेट ले आयो बाल। अगर ले आवन फूल बताते पाना वाले पाते तेरा बचड़ा ले आया नाम। अगर चढ़ावन सात सपारियां सजाते नरेला तेरे बचड़े ने शीश चढ़ाया मेरी माँ तेरा वाले रहन सारी जागानी 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 तेरी रहन 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 सारी जागानी मेरी रैन 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 सारी जागानी मेरी रैन 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 सारी जागानी रैन 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 सारी जागानी रैन 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 सारी जागानी सचिया जोता वाली माता वाली सरा महामाई दा एक सच्चा ते सुच्चा भगत जादा बाणिया नाम दा त्यानू भगत हर साल आपे नगर निवासियां नू नाल लै के मां ज्वाला जी दे दरबार नू परसन वास्ते जाया करदे सन। जिस तरह के असीं देवी माता दे चरणां विच नारियल दी पेटा चढ़ाउने हां इसी तरह उह त्यानू भगत महाराज जी अपना सिर कट के मां जी दे चरणां विच अर्पण कर दिया करदे सन। और जिस तरह अज साडा चढ़ाया होया नारियल सानू उस दरबार तो वापस मिल जाता है इसी तरह उस ध्यानू भगत महाराज जी नू भगवती माता जी उन्हां दा कटिया होया चीज उहदे तड़ दे नाल वापस मिला दिया करदे सन। और ध्यानू भगत जय जयकारे करदा जयकारे लगाउंदा करतौला वजाउंदा महामाई दीआं भेटां गाउंदा और महामाई जी किस तरह सिफतां करदा है ज्योत जगा लो सारे दुख दातों के पहला शेरा वाली माई नू दयालो सारे काम रातों के इस घर विच किसे गल दी भी दुख ना भगता प्यार आंदी पूरी करे सुखना एदे घर विच किसे गल दी भी भुख ना भगता प्यार आंदी पूरी करे सुखना फुल शरदा दे पेट चढ़ा लो सारे गम रातों ओ फुल शरदा दे पेट चढ़ा लो सारे गम रातों तैना शेरा वाली माई नू मना लो सारे गम ओए नाम वाली जोत जगा लो सारे दुख दातों के पहला शेरा वाली माई नू ते आ लो सारे दुख दातों के जेड़े जेड़े नाम वाले बेड़े उते चढ़ गए उन्हां दे तकीते होए पाप उतर गए जेड़े जेड़े नाम वाले बेड़े उते चढ़ गए उन्हां दे तकीते होए पाप उतर गए एदे बेड़े वाली टिकट कटा लो सारे गम रातों के ओ एदे बेड़े वाली टिकट कटा लो सारे गम रातों के पहला
शेरा वाली माई नू दयालो सारे काम रात हो संगतां दे अगे त्यानू हाथ पे जोड़दा पता निंगा फेरे सवा सावाली दौड़दा संगतां दे अगे त्यानू हाथ पे जोड़दा पता निंगा फेरे सवा सावाली दौड़दा सोडी चरना च शीस निवालो सोडी चरना च शीस निवालो वाली माई नू आलो सारे कम रात हो गए दे नाम वाली जोत जगालो सारे दुख नाश हो गए दे नाम वाली जोत जगालो सारे दुख नाश पहला शेरा वाली माई नू आलो सारे कम रात हो सचियां जोता वाली माता तुहाडी सदाई ध्यानू भगत महामाई के दरबार हर साल जदों कीती जग कट के चढ़ाया करते सन भगवती माता ने ध्यानू भगत का कटिया शीस मिलाया और कहा कि यह ध्यानू भगत महाराज कि आज तो बाद मेरे दरबार दे विच तू कभी भी आके शीश की पेटा नहीं चढ़ाएंगा। तो ध्यानू भगत जी हाथ जोड़ के कहन लगे कि हे देवी माता कि फिर एहो जी केड़ी वस्तु है केड़ा पदार्थ है जिहड़ा तेरे चरणा विच अर्पण किया जाए पेट चढ़ाई जाए। तो भगवती माता जी एक नारियल दे वल हाथ करके कहन लगे कि ध्यानू भगत आज तो बाद जो मेरे दरबार से नारियल की पेटा लैके आवेगा मैं उसके नारियल नूं चीज समझ के ही स्वीकार करा। तो ध्यानू महाराज जी खिड़खिड़ा के हाथ उठे और कहने लगे कि देवी माता जी एक किवें हो सकता एक चीज की जगह छोटा जा नारियल की तुसीं पेटा रख लई। तो ध्यानू भगत चीज और नारियल दे विच फर्क भी किन्ना जिस तरह इंसान के सिर के उपर वाल इस तरह इस नारियल के उपर जत है जत नूं तालो थलू जिहड़ा खोपड़ा निकलता है उसके उपर बगैदा इंसान की शक्ल दो अखां नक और मूह और मत्थे की शक्ल है। उस समय तो लैके अज तक इस देवी मां के दरबार के नारियल की पेटा चढ़ाई जाती है और शायद अगों वास्ते भी चढ़ाई जाएगी। ध्यानू भगत ने भगवती माता जी तारन तो बाद कितने आ पहुंचे दिल्ली के नजदीक हसनापुर शहर कि जाते हुए कौर पांडवों भी तारते जाइए की देखिया कि राज महल के दरवाजे बंद ने और बाहर एक दरबान हाथ में छटी लैके खलोता है। उस दरबान को भगवती मां जी ने कहा कि हे दरबान जाओ अंदर जाके पांच पांडवों को कह दियो कि भगवती माता जी आए ने दर्शन दे जाओ और दर्शन ले जाओ। भगवती मां जी की इजाजत लैके जो दरबान अंदर जा पहुंचिया तो की देखिया कि कौरव और पांडव जुए के इस तरह मगन और लीन होके बैठे ने कि उन्होंने अपने आप के लिए सुध बुध नहीं प्रणाम किया और आवाज दी कि हे महाराज बार भगवती माता जी सिंह के उपर पाखर पा के उहदे उत्ते सवारी होके आए ने और उन्हों का कहना है कि दर्शन दे जो और दर्शन लै जाओ। पांच पांडवों ने उस दरबान की गल सुन के उन्होंने की जवाब दिता कि दरबान कि भगवती माता जी ने जाके कह दियो साड़ी जुए की बाजी लग चुकी है जब तक ये बाजी साड़ी खत्म नहीं होगी असी बाहर नहीं आ सकते जे तुसी प्रपटा तो चल के साडे दरवाजे तक आ गए हो आया तुसी अंदर नहीं आ सकते या उन्होंने कह दियो कि अंदर आ जाण या बाहर बैठ के साडा इंतजार करन जदों तक ये साडी बाजी खत्म नहीं होएगी असी उदों तक बाहर नहीं आ सकते। दरबान जी ने ये गल सुनी और आके भगवती मां जी ने कहा कि महारानी जी पांच पांडव इस तरह करके कह रहे ने। तो भगवती मां ने सुनदिया ही नेत्र लाल कर ले और क्रोध दे विच आके श्राप दे दिता कि जाओ पांडुओ अगे तुसी ए बाजी जित जानी सी हुण जित्ती होई बाजी हार जाओगे और दर दर दीआं ठोकरां खाओ। भगवती माता जी इन्ना कहण तो बाद अपने प्रभतां नूं वापस चले गए और उस तो बाद पांच पांडुआं दे नाल की होया इस गल तों असीं बड़ी चंगी तरह नाल सारे ही वाकफ हाँ। राज हार गए सिरां दे ताज हार गए इत्थों तक किधरों पता नार वी हार गए। बाहर आए उसे दरबान दे कोलों पुछिया कि वह भगवती माता जी जांदी वारी कुछ कह के ते नहीं गए।
तो दरबान हाथ जोड़ के कह लगा कि हे महाराज, भगवती माता जी बड़े गुस्से विच बड़े क्रोध दे विच आके ये कह के गए ने कि जाओ पांडव जीती हुई बाजी हार जाओगे और दर दर दिया ठोकरा खाओ। पांच पांडवों के मन में बड़ा पछतावा लगा। आकाश तो बाणी हुई कि ऐ पांच पांडव, अगर तुसी पंजे भरा मिलके एक भगवती महामाई के नाम का मंदिर बनाओ, उस दे विच भगता संता साधुआ महात्मावां नूं बुला के हवन जग रचाओ, उन्हां दे हत्थी उस हवन कुंड के अंदर आहुतियां पवाओ, जिहड़ा तुहाडा जग है वह संपूर्ण हो जाएगा और भगवती महामाई का दिता होया श्राप टल जाएगा। उन्हां पंज पांडवों ने मिलकर एक रात दे विच एक मंदिर नूं तैयार किया और भगवती महामाई की तस्वीर नूं उत्ते सजाया। नगर निवासियां दे नाल रल के बड़े बड़े साधुआं संतां महंतां नूं निमंत्रण भेजे कि साडे इस यज्ञ दे विच आके इस हवन कुंड दे विच आके आहुतियां पाओ ताकि साडा जिहड़ा इह यज्ञ है वह संपूर्ण हो जाए। लेकिन दो ऋषियों नूं अपने जागरण दे विच नहीं बुलाया क्योंकि वह दो ऋषि कहिंदे सन कि वह पेती कोड़ भगत जन तुहाडे अगर यज्ञ दे विच पहुंचे तो असीं नहीं आउणा। तो उधरों वह पेती कोड़ भगत जन कहिंदे ने कि महाराज, अगर वह दो ऋषि आ गए तो असीं नहीं आउणा, उन्हां दी आपस च लागत बाजी सी। इस करके पंज पांडवां ने सोचिया कि उत्थे इन्ने पकवान पके होणगियां, इन्नियां देगां बणियां होणगियां, कौन कौन खाएगा, इन्हां दोवां नूं रह दिंदे ते बाकी दे भगतां संतां नूं कह छड़ो। ते सारे भगतां संतां नूं निमंत्रण भेज दित्ते। उन्हां दोवां ऋषियां ने अपने मन में सोचिया कि साढ़े होंदिया सौंदिया इस नगर के सारे साधुआं महात्मावां नूं उन्होंने निमंत्रण भेजे, लेकिन सानू उन्होंने बुलाया नहीं, साडा आदर सन्मान मान नहीं किया, असी भी इन्हों का जो यज्ञ है वह संपूर्ण नहीं होने देवे, खंडित कर देंगे। तो पांच पांडव से की बड़े बड़े ऋषि महाराज इस तरह करके फरमाते हैं कि लिखण वाले विदाता ने जो तेरे कर्मों के लिख दिता है इंसान तेन भोगना पैना है। रत्ती मेरे घर मांदी, ओ रत्ती मेरे घर मांदी, ओ रत्ती मेरे घर मांदी, ओ रत्ती मेरे घर मांदी, साधो टालिया नाही तले, टालिया नाही तले, ओ रत्ती मेरे घर मांदी, ओ भक्तो प्यारे हो सुख दे विच हरिचंद राजा सच दा राज करे, सच दा राज करे, ओ भगतो सच दा राज करे, सुख दे विच हरिचंद राजा सच दा राज करे, ओ भगतो सच दा राज करे, ओ भगतो सच दा राज करे, सड़े कबीले का शिव किया, सड़े कबीले का शिव किया, नीचा दा पानी परे, ओ रत्ते मेरे घर मारे, ओ बारे जावा, ओ रत्ते मेरे घर मारे, साधो टालिया नाही तले, टालिया नाही तले, ओ रत्ते मेरे घर मारे, बारे जावा, वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लेख करे, लिख लिख लेख करे, भगतो लिख लिख लेख करे, गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी लिख लिख लेख करे, भगतो लिख लिख लेख करे, भगतो लिख लिख लेख करे, सिया तहर नाम दशरथ का मरना, सिया तहर नाम दशरथ का मरना, बन बन राम फिरे, ओ रत्ते मेरे घर मारे, मैं वारे जावा, ओ रत्ते मेरे घर मारे, ओ साधो टालिया नाही तले, टालिया नाही तले, ओ रत्ते मेरे घर मारे, मैं वारे
मारे जावा जल पी मन फुल कह देवा उनसे कछु न करे तो उनसे कछु न करे ओ अर्जन पी मन फुल कह देवा उनसे कछु न करे परी कचहरी दर्योधन परी कचहरी दर्योधन करे मैं वारे जावा भगतों टालिया नागी टले टालिया नागी टले ओ भगत प्यारे ओ बोलो सारे वारे वारे सचिया जोता वाली माता तुहाडी सदा जकारा शेरा वाली जी दा बोल साजे दरबार की जय। उधर पांच पांडव अपने जागरण दिया तैयारियां कर रहे ने अपने यज्ञ दिया तैयारियां कर रहे ने। दो ऋषि जलंधरा दंत और मारकंडा ऋषि जी अपने मन में सोच रहे हैं कि असी इन पांच पांडवों का जगराता जो है यज्ञ जो है असी संपूर्ण नहीं होने देना। तो दोनों ऋषियों के बीचों एक जलंधरा दंत ऋषि महाराज जी ने अपनी देह में त्यागिया और श्रद्धा रूप धारण करके उस रस्ते जाते का सिद्ध होकर बैठ गए जिथों भगतान ने लंघ के उस मंदिर में जगराता करने वास्ते जाना। उस पिंड के उस नगर के रहने वाले छोटे छोटे बच्चे गवाले गऊं चारण वाले अपनी अपनी गऊं पजाते हुए आ रहे हैं। अचानक एक बालक की निगाह उस सड़क से गई तो अपने साथियों रोक के कहने लगा कि देखो दोस्तों यह सड़क जींदा जागता इस जगह से बैठा है हनेरा पैण वाला है इतों भगत जन लंघ के जाएंगे किसी भी भगत का पैर गलती के नाल ये उत्ते आ गया तो इसने उसू दस देना है वे ना या तो इसको खत्म कर दीए या रस्ते तो अलग कर दीए। बालका ने की किया हाथ में डांगा रोड़े इटा चिट्टियां जो कुछ भी आया मार मार के उसे सड़क में उसी जगह से खत्म कर दिता। कुछ समय के बाद भगत जन आने शुरू हो गए। उन्होंने महामाई दी उस जागरण के अंदर उस स्थान के अंदर जाके भगवती ज्योति का प्रकाश किया और महामाई का गुणगान शुरू कर दिता। अद्धी रात का वेला हो गया उस चिरंदा दंत ऋषि महाराज जी के दूसरे साथी मारकंडा ऋषि जी ने सोचा कि अजे तक मेरा साथी वापस नहीं आया जदों की शाम का गया है पांच पांडवों ने जगराता खंडित करने वास्ते। अपने नेत्रों बंद किया अंतर ध्यान होकर देखिया कि सर्प के रूप में जलंधर दंत ऋषि महाराज जी तेरी हुए थे। तो महाराणी के उन्होंने भक्तों ने भगवती का जागरण शुरू कर दिता और पिछों मारकंडा ऋषि जी ने अपनी देह में त्यागया और एक इल का रूप धारण किया। मन में सोच की कि आखिर मेरा साथी थी और यदि मन की आखिरी तमन्ना थी आखिरी हसरत थी कि मैं पांच पांडवों जगराता जिहड़ा है वह संपूर्ण नहीं होन देना हुण इहदी आखिरी ख्वाहिश मैं पूरी करांगा भावें मेरी भी क्यों ना जान चली जाए। उस मरे हुए सप्प नूं इहदे रूप दे विच जाके अपने पैरां विच चक्किया ते आकाश ते उड़ना शुरू कर दिता। उड़दी उड़दी वह इल जिहड़ी है उन्हां पंजां पांडवों के बनाए हुए मंदिर के अंदर एक वृक्ष है वृक्ष के उत्ते आके उसने डेरा लगा लिया। उसे वृक्ष के थले एक भगत प्रसाद बना रहा है। मन च विचार किया होवे ना कि भगतों को नजर बचा के यह जिहड़ा सर्प है इस प्रसाद में सुर नवाता के जिहड़ा जिहड़ा भी खावे वह मर जावे। लेकिन इंसान मारन वाले तेरे दो हाथ बचाने वाले दे सो हाथ मारन वाले का उस तक हाथ भी नहीं कम करता जित तक बचाने वाले की निगाह कम करती है। की होया उसको समय नहीं मिल रहा मौका नहीं मिल रहा कि उस सप्प नूं उस प्रसाद में सुट सके क्योंकि भगत कोल खड़ा है। अंदर जिहड़े मंदिर दे बैठ के महामाई की उपासना कर रहे सन उन्हां भगतां ने उस भगत नूं प्रसाद बनाने वाले नूं आवाज दिती कि भगता थोड़ा जिहा प्रसाद थाली विच पा के अंदर लै के आ जा असीं महामाई की जोत नूं भोग लगाना है।
उसने बड़े प्यार से सम्मान के नाल उस प्रसाद थाली विच थोड़ा जिहा पाया और चक के जो अंदर लैके चला गया तो उस इल नूं मौका मिल गया। उसने प्रसाद दे बिल्कुल सामने उसके सिर उत्ते लिया के अपने पैरों में सप जिहड़ा है छड़ दिता। वह प्रसाद दे विच डिग पिया, कड़ा दे विच डिग पिया ते कड़ा दे उपर मलाई जमनी शुरू हो गई। किसी नूं कोई पता भी नहीं इस प्रसाद विच की विधिया है, कौन देख रहा है, उन्हां भगतों नूं बचाण वास्ते उत्थे किहड़ा फरिश्ता बैठा है। उसे वृक्ष के नाल एक चमड़ी हुई कोर किरली जी है सारा एक औत देख रही है। वो किरली कौन है? कोई मामूली किरली नहीं, महामाई के नाम की पत्नी, उसके नाम की उपासक, उसके चरणों के नाल लिप करने वाली रुकमणी। रुकमन की वड्डी भैन तारा, तारा की छोटी भैन रुकमणी। तारा से रुकमन दो भैन सन। लो तारा रानी की जो कथा है, पवित्र बाणी है, वह हुण शुरू हो रही है। सचियां जोता वाली माता तुहाडी सदा, लिखिया जो आया दुर्गे मात दा, भगतो लिखिया जो आया दुर्गे मात दा, मेरे कोलो रे आवी ना जाए, जिन्हें तेरा जगन रचा लिया, कौन कौन आवे झोलीदार, कौन कौन आवे झोलीदार, तेरा रुकमन जगन रचा लिया, अखत बनावणे केसर रंग में रंगा, ओ डल भगतों को दीजियो, तारा रानी डल लीजियो, काहे का अंगन लपावना, ओ काहे का चौक भराइए, संदल संदल चौक बरावना, संदल चौक बरावना, हरे हरे गोबर अंदर लपाए दे, बिना मां की जोत जगा, बिना निमंत्रण रुकमन ने तारा मेरे जागरण में आ, लिखिया जो आया दुर्गे मात दा, जो आया दुर्गे मात दा, तारा कोलो रे आवी न जाए, तारा कोलो रे आवी न जाए, भक्तो तारा कोलो रे आवी न जाए, तारा कोल रे आवी ना जाए, तारा कोल रे आवी ना जाए।